हमारे साथ रतलाम से हैं संजय जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार। सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है मैडम? मैं थोड़ा जी पूछना जी चाह रहा था, मेरी माता जी की तबीयत खराब रहती है मैडम, तो उनको ये पार्किंसन की शिकायत है मैडम। एज क्या है उनकी? एज मैडम है 57। हाँ हेलो। देखिए जी, हाँ सर, तो मैंने बहुत इलाज कराया सर, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कहीं से भी सर। ठीक है। जल्दी पार्किंसन होने लगा उनको, और एक इलाज मैं बताता हूँ आपको। और एक तो ये कि घरेलू तौर पर मूंग की दाल से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खिलाया करिए उनको। मूंग की दाल खिचड़ी, मूंग की दाल वैसे बनाते हैं, मुझे भी बड़ी पसंद है। मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल की बहुत सारी चीज़ें, मूंग की दाल वैसे भी भुनी हुई आती है, बाज़ार में भी मिलती है, तो ये खूब खिलाया करें। एक तो ये इलाज है, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो और फ़ायदा कम हो या ना हो, तो आप करें कि 500 ग्राम मेथी लें, 500 ग्राम मेथी, और उसमें 200 ग्राम मिलाएं, ये जो सौंफ आती है, 200 ग्राम सौंफ, 500 ग्राम मेथी, और 150 ग्राम गौंसिया, इन सबको खूब बारीक पाउडर बनाएं। और याद रखें कि एक एक ग्राम सुबह शाम खिलाना है इनको, एक एक ग्राम सुबह शाम खिलाना है, और पानी से या बगैर चर्बी के दूध से खिलाना है, या जूस के हालात हैं तो जूस से भी कभी कभी दे सकते हैं, लेकिन गौंसिया असली लेना, ये बहुत ज़रूरी है कि आप गौंसिया असली लें, और ये नुस्खा ख़त्म होने तक उनको काफ़ी फ़ायदा मुमकिन है। जी, यूपी से देवाकांत पांडे जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हमारे मिसेज को फ्रीज पर ऐसे सफेद दाग हो गए हैं, उसके बारे में जानकारी लेनी थी। सफेद दाग हो जी गए, कितने उम्र के मरीज हैं, कब से हैं? मिसेज को हमारे मतलब 35 साल की हैं। मिसेज को 35 साल की हैं। ठीक है। हाँ देखिए, बहुत लंबा इलाज है, आदमी थक जाता है, लेकिन इलाज है। और इलाज ये है कि एक दवा आती है, दाने दाने आते हैं मेथी की तरह, लेकिन वो काले होते हैं, बाबची, लिख लीजिए, BABCHI, बाबची, ये ले लीजिए आप 100 ग्राम, और मेथी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, और अलसी 100 ग्राम, और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इन सबको पाउडर बनाएं और आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं, सिर्फ आधा आधा ग्राम। आधा ग्राम का आप देख लेना कितना होता है, और इसमें आदमी थक जाता है, इलाज बहुत लंबा है, 2 महीने में कुछ कलर बदलेगा उन दागों का, तो बदल गया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। जितने परसेंट बदलेगा आप समझ लीजिए, अगर 10% बदला तो 1 साल लगेगा, 5% बदला तो 2 साल लगेंगे, 20% बदला तो 5 महीने। उस कलर पर आप देखकर समझेंगे कि आपको कितना इलाज करना है, इलाज आप कर सकते हैं। अगले कॉलर हैं सुनील कुमार, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ, स्वागत है सुनील जी, बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार, सवाल करिए। हाँ मैडम, ये क्या है, थोड़ा गैस बहुत ज्यादा बन रहा है, कब से? और इसी साल से करीब 3 महीना हो गया है, 3 महीने से। और हाँ सांस लेने में तकलीफ होता है, सीना थोड़ा भरा भरा टाइप लगता है, और कफ गिरता है खांसी से। ठीक है। लहसुन चबा के खाया करिए रोजाना 5 निवाले के साथ, एक निवाले के साथ एक, ऐसे 5 लहसुन 5 निवालों में रख के चबा के खा लिया करिए, सीना बहुत आसान रहेगा, कफ बाहर आएगा, और ये रूटीन बना लीजिए, इसे ज़्यादा भी खा सकते हैं, मैं भी खाता हूँ जब सीना भारी होता है, या ये ऐसा लगता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल का भी दुश्मन है, आपकी फुर्ती भी लाता है जिस्म में,
और भी बहुत फ़ायदे करता है, सांस से ताल्लुक रखने वाले, दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मेथी 500 ग्राम, मेथी 500 ग्राम, और एक आता है कलौंजी का नमक, ये 100 ग्राम, इनको खूब बारीक पाउडर बनाइए और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम खाया करें, आपके रोग का निवारण मुमकिन है। जी अगली कॉलर है पुष्पा हमारे साथ, स्वागत है पुष्पा जी। जी मतलब मैं बॉन्ड सिया मंगाना चाहती हूँ। अच्छा। तो कैसे आएगा, कितने का आएगा? ये सारी डिटेल्स आप जान सकती हैं हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके, तो आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। दर्शकों देखिए, अगर आप लोगों को मेडिसिन रिलेटेड या नुस्खे रिलेटेड कोई क्वेरी करनी होती है तो उसके लिए आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक पूरी टीम है जो आपको एक एक बात बहुत आराम से समझाएगी, बहुत आराम से बताएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग जुड़ते हैं, हकीम साहब से आप लोग बात करते हैं लाइव कार्यक्रम में, तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग जानिए कि आपके रोग के लिए नुस्खा कौन सा बेहतर है, कैसे आप लोगों को हर एक नुस्खा बनाना होगा। तो लाइव कार्यक्रम है, फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। दुकान बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, अस्पताल से बात करना था। हमारी मम्मी, हमारी माता जी कैंसर हैं, उनके घुटने से बहुत दर्द रहता है और ब्लड प्रेशर भी है उनको। भाई वाह, 65 साल की है वो। हाँ, लेकिन आपने बड़ी तेजी से बात की। दवा डॉक्टर साहब, दवा बहुत खराब है, लेकिन क्या कहते बहुत खराब है, जहाँ जहाँ वैद्य जी बताते हैं, जहाँ अंग्रेजी दवा उनको सोचते नहीं करती, तो आयुर्वेदिक दवा कराते हैं तो लेकिन कोई लाभ नहीं होता। उनका पैर वगैरह आँखने लगता है, दर्द करता है इतना तेज, किसी पैर वगैरह आँखने लगता है, इतना दर्द होता है उनके पैर में, ठीक है। ठीक है, देखिए आयुर्वेद अगर कोई गलत दे रहा है तो वो जाने, लेकिन मैं जो आपको दे रहा हूँ वो एक घरेलू नुस्खा दे रहा हूँ। और घरेलू नुस्खा ये है कि अपनी माता जी को 500 ग्राम अलसी भूनिए हल्का सा, उसका पाउडर बना दीजिए, और 100 ग्राम इसमें एक गौंद स्याह आता है, गौंद स्याह, वो पाउडर बना के मिला दीजिए, और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम बगैर चर्बी के दूध से दीजिए, नुकसान नहीं करेगी। और ये 500-600 ग्राम जो मैंने बताया है नुस्खा, ये ख़त्म होते होते आपकी माता जी का जल्दी से ठीक होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं दीपक हमारे साथ, स्वागत है दीपक जी। हेलो। हेलो, हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? इंदौर से। सवाल आपका? सर ये मेरे मतलब हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। दीपक जी आपकी प्रकाश मतलब उम्र कितनी है? 18 साल। हाँ देखिए, इसी उम्र में फर्क होता है, आदमी फिक्र करने लगता है। आजकल तो मैं भी फिक्र में पड़ गया हूँ कि मेरे बाल ना गिर जाए। अब मेरे बाल गिर गए तो मेरे नुस्खा को कोई मानेगा नहीं, लेकिन आपके बालों को सहायता कर सकते हैं। एक गौंद आता है, गौंद मोरिंगा सफ़ेद, गौंद मोरिंगा सफ़ेद, लाल वाला मत लेना, ये पाउडर बना लीजिए, और गरीब हैं तो पानी में डालकर पी लिया करिए, और आप रईस हैं तो नारियल पानी में डालकर पी लिया करिए। ये 100 ग्राम ख़त्म होते होते आपके बाल इतने के संभाले ना जाएं, ऐसा इसका रिज़ल्ट है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं भी लेता हूँ आज तक, और मेरे बालों से लोग बड़ा वो करते हैं, रश करते हैं, मेरे साथ के मेरे साथी सब गंजे हो गए, और मैंने उनसे कहा था कि कौन लिया करो, उन्होंने नहीं लिया, मैं लेता हूँ आज भी, और नारियल पानी में डाल कर लेता हूँ, इससे आपको फायदा होना मुमकिन है। सोम प्रकाश जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, आदाब। बोलिए। सर से बात करनी थी। जी जी, वो मिसेज के बारे में पूछना था। जी जी, किसी के भी बारे में पूछिए, बताइए क्या सवाल है। उनको आज से 4 साल पहले घुटनों का ऑपरेशन कराया था अहमदाबाद से। ओहो। और शरीर भी थोड़ा हेल्थी है। जी जी, ये लो बात खुद ही उनसे ही कर लो। हाँ बढ़िया रहेगा। हाँ जी, उनसे ही बात करो, बात करो ना, हेल्थी है और वेट कम कैसे। हेलो जी, आदाब।
जी वो ऐसा है मेरे नाम क्या है, चलने में ना दिक्कत होती है। ऑपरेशन भी करा दिया? ऑपरेशन भी करा दिया। हाँ ऑपरेशन करा दिया, थोड़ा वो चलने में थोड़ा दिक्कत लगती है अभी भी, मतलब जैसे मन करता है सोए रहो, ज्यादा चला नहीं जाता। एज बता दीजिए अपनी। एज है मेरी 65। 65। ठीक है, देखिए अगर आप ऑपरेशन से पहले फ़ोन करते तो हमें बड़ी खुशी होती कि हमने आपकी एक बड़ी मदद की और ऑपरेशन से भी आप बच पाते। बहरहाल अब तकलीफ तो कम हो सकती है और वज़न भी कम हो सकता है। वज़न कम करने के लिए आप ले सकते हैं, देखिए जैतून का नमक आता है, नमक जैतून भी कहते हैं, ये एस्टेक है जैतून का, जिसे हम रसायन जैतून भी कह सकते हैं। एक नमक टाइप होता है लेकिन नमक नहीं होता, वो नमकीन नहीं होता। तो ये आधा ग्राम आप पानी में डाल के रोज़ाना गर्म पानी से लिया करें और दिन में दो बार भी ले सकते हैं और 5-6 बार गर्म पानी पिए। भोजन अगर आप 4 रोटी करते हैं 2 रोटी कर दीजिए, कैलरीज का परहेज करें। 1 घंटे धूप में चलें या बैठें, चलने के लायक हैं तो चलें नहीं तो बैठें, चाहे 15-15 मिनट करके बैठें चलें, तो इससे आपका वज़न कम होना मुमकिन है। एक आता है गौंद स्याह, अगर आधा आधा ग्राम दिन में 2 बार लिया जाए नाश्ते के पश्चात और खाने के पश्चात, तो ये 100 ग्राम गौंसिया ख़त्म होते होते आपकी परेशानी यानी दर्द का ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ मुकेश जी राजस्थान से, स्वागत है आपका। हेलो सर। हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर, मेरा नाम मुकेश चंद्र, उम्र है सर 42 साल। ठीक है जी। ये सर मुझे 5 साल हो गए सर, मेरे पेट में ना भारी भारी रहता है और बगल में दर्द होता है। मैंने चेकअप भी करवाया, किसी ने बोला कोलाइटिस है, किसी ने बोला पेचिस है, 4-5 बार लेटरिन जाता हूँ सर जी। सर लेटरिन कैसी होती है? लेटरिन में सर कभी कभी चिपचिपा सा पानी आता है। अच्छा नहीं, पतला आता है लेटरिन या मुश्किल से आता है? नहीं ज्यादा पतला भी नहीं आता सर और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं आता। ठीक है, आप ना ये करें कि अलसी ले लीजिए थोड़ी सी और उसको भून लें और हल्का सा भून कर पाउडर बना लें, या चबा के खा लें। आपकी उम्र इतनी नहीं है, चबा के खा सकते हैं 1-1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिए, तब भी आपका ठीक होना मुमकिन है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर है अंशु जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो मैडम नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, अंशु नाम है मेरा और मेरी एज है 48। तो मेरे को ना बीपी और थायराइड दोनों है, तो मेरे बाल बहुत गिरते हैं, जैसे ये बताते हैं हसीन साहब जी कि वो गोल मोरिंगा लेना है, तो क्या मैं भी ले सकती हूँ क्या, जैसे मुझे बीपी है जी, थायराइड भी है ना आपको? जी थायराइड और बीपी। अच्छा देखो बेटा, आप को थायराइड का इलाज करना होगा और उसमें भी गौंद मोरिंगा इसलिए डालते हैं। अगर आप सुनती हैं तो फिर आपने सुना ही होगा, फिर भी लिख लीजिए कि 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा। जब आप ये लेंगे तो आपके थायराइड ख़त्म होगा और बाल भी आपके ग्रोथ करेंगे। तो आपको इस तरह नुस्खा लेना है, जिसको थायराइड नहीं है वो खाली गौंद मोरिंगा ले सकता है, उसको उससे फ़ायदा होगा, लेकिन आप थायराइड की गोली खाते हुए ये लीजिए और आप यकीन रखें कि आपको एक दिन थायराइड की गोली कम करेगा अगले महीने से डॉक्टर, फिर और कम करेंगे और फिर कहेंगे अब थायराइड नहीं है तो मैं किसकी दवा दूँ, आपकी थायराइड गोली बंद हो जाएगी, फिर ये भी बंद हो जाएगा और आपका बीपी भी इसी से नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि थायराइड हमारे हर चीज़ को उल्टा पलटा कर देता है, बालों को, चेहरे को, सेहत को, इतना मोटा करता है या इतना पतला करता है। तो सिर्फ थायराइड का कंट्रोल करें, आपका बीपी भी कंट्रोल होना मुमकिन है।
तो आपका थायराइड कंट्रोल होगा तो सारी बीमारियां आपकी वैसे ही दूर हो जाएंगी। अगर आप ये सुनना चाहते हैं अपनी डॉक्टर से कि अब आपको दवाई नहीं खानी है, आपका थायराइड कंट्रोल हो गया है, तो आप ये नुस्खे ज़रूर अपना लीजिएगा।